हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ सूखी सब्जी, जो है आलू मेथी की, हरी वाली मेथी जो मेथी लीव्स बोलते हैं। तो इसकी मैं आज सूखी सब्जी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही झटपट बन जाता है। और चलिए दिखाती हूँ, बहुत ही कम मसालों में बनता है। और यकीन मानिए, मेथी का बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट इसमें नहीं आएगा, इनफैक्ट बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, राइस या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तो आज इसे पूरी के साथ सर्व किया है। चलिए बताती हूँ ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। बट उससे पहले करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप सभी को बिग थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, अपने आसपास इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दिखाती हूँ इसके लिए क्या क्या लिया है मैंने। तो ये है आलू जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। ये 2 कप मेथी है जो मैंने फाइनली चॉप करके लिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे 8 क्लोव्स ऑफ 8 जो कली होती है लहसुन की, एक बड़े लहसुन में वो 8 कली ली है, मिर्च के साथ उसे पीसा है। और मेथी के दाने और ये कुछ मसाले पाउडर हैं जिसमें कि कोरिएंडर, हल्दी, मिर्च और नमक है। बहुत ही कम मसालों में सब्जी बन जाती है। और मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा 1 चम्मच धनिया, मैंने यहाँ पे आधी चम्मच लाल मिर्च ली है और आधी चम्मच हल्दी ली है। और लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सॉल्ट टू टेस्ट मैंने 8 क्लोव गार्लिक लिया है, जिसे मैंने रेड कश्मीरी चिली के साथ ग्राइंड कर लिया है, चॉपर में चॉप किया है। और ये थोड़ा सा टुकड़ा खड़ा भी रखा है ताकि मैं तड़के में डाल सकूँ। और थोड़ा सा मेथी का दाना है, बहुत ही थोड़ा। और ये मैंने 2 कप मेथी जो मैंने मेथी ली जो चॉप कर दी है इसे अच्छे से। और ये 3 आलू है जिसे मैंने इस साइज़ के क्यूब्स में काट लिया है। तो चलिए, तेल गर्म होने के लिए रखा है, मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, थोड़ा सा तेल इसमें जाता है। और ये तेल गर्म हो गया है तो इसमें ऐड करती हूँ लहसुन और मिर्च और मेथी, ये तीनों। और ये लहसुन की वजह से बहुत अच्छी टेस्ट आती है, तो आप लहसुन की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको बहुत पसंद है तो। और साथ में डाला आलू और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आलू को पहले हम अभी सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, पहले हमें बिना सॉल्ट ऐड किए आलू को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो इसे ऐसे ही फ्राई करते रहे, सॉटे करते रहे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में ना आ जाए। तो इसे मिला लेती हूँ और देखिए, इससे एक कवर लगा के मीडियम हीट पे मैं 2 से 3 मिनट छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, आलू का कलर देख सकते हैं, गोल्डन हो गया है, चेंज हो गया है। और इस बिल्कुल, अगर आप नमक डाल देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसे आलू थोड़ी सी क्रिस्पी रहती है। अब मैं इसमें सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो सारे मसालों में धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च, बहुत ही कम मसाले हैं, बहुत ही कम मसालों में बहुत अच्छा टेस्ट का सब्जी रेडी हो जाता है। इसे भी मिक्स करके 1 मिनट के लिए सॉटे कर ले ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए, उसका एक अच्छा सा अरोमा आने लगे। और अब मैं इसे ढककर आलू पकने के लिए रखा है। और बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा टू अवॉइड बर्न, ताकि ये जले नहीं। ये देखिए, आलू पक गया है ऑलमोस्ट, ये देखिए। तो अब इसमें मिक्स करेंगे हम मेथी। तो मेथी जो काट के रखा है, आलू पकने पे हम इसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला दीजिए। अब हमें इसे भी थोड़ी देर फ्राई करना है, थोड़ी देर भुनना है, ताकि मेथी और आलू एक दूसरे में अच्छे से उसका जो फ्लेवर है वो ले ले और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और मेथी भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो इसे कवर कर दिया था और ये देखिए, मेथी को थोड़ी देर फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से भुन गया है। तो हमारी स्टोव ऑफ कर दीजिए, मेथी और आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। देखा कितना आसान था ये बनाना, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आसान सी टेस्टी रेसिपी कैसी लगी।